नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये करंट एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। फ्रेश अपडेट उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि कोई तीसरा इंसान उनके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। अगर आपको सिर्फ डाउट है तो प्लीज डाउट के बिहाफ पर इस रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा। ओके, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो जानते हैं कि सम थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व। और ये रीडिंग ये लव रिलेशनशिप्स के लिए ही है, ये रोमांटिक कनेक्शंस के लिए ही है। ओके, थर्ड पार्टी की बात जो यहाँ पे हो रही है, थर्ड पार्टी हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी और तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट, अनफेयर इन्वॉल्वमेंट अगर आपके कनेक्शन में है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस। मेरे बिल्कुल सामने वाला जो मकान है वहाँ पे काम शुरू हो गया है, तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं विच इज़ नॉट रियली इन माई कंट्रोल, सो प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, एंड जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। उनके नाम को 3 बार मन में रिपीट कीजिए टू टैप इन टू देयर एनर्जी। अगर आप चाहें तो रीडिंग के दौरान अपने पर्सन का चेहरा स्क्राइंग बाउल के अंदर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, एंड ईश्वर से प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस की तरफ आपको लेकर के जाए। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। लेट अस लाइट द कैंडल। सोर्स ऑफ मैसेज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक आइसबर्ग दिखाई दे रही है, एक बड़ी सी जैसे बर्फ की चट्टान होती है ना, ये उस तरीके का सिंबल यहाँ पे बन गया है। और मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो जिसने अपने आप को अंदर अंदर ही अंदर जो घुट रहा है, ठीक है, जिसकी सारी एनर्जी अपने ही अंदर ट्रैप हुई हुई है और वो उस एनर्जी को, थॉट्स को, फीलिंग्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। भूतकाल के बारे में सोचा जा रहा है, पुरानी बातों के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं, जो थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हैं, आज के पूरे दिन में इनके मन में ज़्यादातर जो थॉट्स आएंगे वो बीती हुई बातों से जुड़े होंगे। यानी इनका ज़्यादा फोकस जो है वो पास्ट की एनर्जीज की तरफ रहेगा, रैदर देन द फ्यूचर, आने वाले कल से ज़्यादा ये बीते हुए कल के बारे में सोचने वाले हैं। कुछ घर से जुड़ी समस्या या सिचुएशन है इनकी, हाउस रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड। ओके, घर में कुछ स्टेबिलिटी इनको चाहिए जो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लेटर पी, लेटर डी, लेटर जी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज। लेटर नंबर 21, 21 तारीख किसी महीने की इम्पॉर्टेंट है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेटर आर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो मैरिड हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ। ये नंबर 6 भी बन गया है। ये जून का महीना और जुलाई का महीना भी हो सकता है। वी ऑल्सो हैव नंबर 7 ओवर हियर। जून जुलाई के महीने और 21 तारीख यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपकी बोली हुई कोई ऐसी बात है गाइस जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं आज के दिन में, कोई एक स्पेसिफिक बात है जो आपने इनको बोली है, जो इनके माइंड में चल रही है, जिसको ये निकाल नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से। ये इस तरीके का कुछ मैसेज जो है, ये अभी मैंने आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर भी एक रीडिंग डाली है, उसमें भी एक ऐसी सी एनर्जी निकल के आई है। प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी के ऑरा में प्रेगनेंसी है या समवन इज प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। डी से किसी का नाम है। ओके, यस, 9 मंथ्स में भी, 9 मंथ्स का इंडिकेशन आ रहा है पिछले 9 महीने से। सिचुएशन में कुछ चेंज आया है या स्टेबल हो गई है, स्टेग्नेंट एनर्जी हो गई है,
कुछ चेंज आया है लास्ट 9 मंथ्स में, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। जो आप लोगों की जर्नी चल रही है इस पर्सन के साथ में, उसमें रिफ्लेक्ट करके देखिएगा। ऑल दो क्या होता है कि एज अ रीडर हमारा काम है कि जो हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स में, सिर्फ उसको बताना, लेकिन क्योंकि हम इतना डेली में आप लोगों के लिए रीडिंग करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक ड्यूटी और सौंप दी है मुझे कि अगर कोई इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्यों ना उनको रोका जाए या उनको सही रास्ता दिखाया जाए जहाँ तक जितना पॉसिबल पॉसिबल है। ओके, सो मैसेज यहाँ पर है आप लोगों के लिए भी, गाइडेंस आ रही है, ये गाइडेंस पहले भी आई है। दिस गाइडेंस इज कि अपनी जर्नी पे कॉन्टेम्पलेट आपको करना है कि इस पर्सन के साथ में, जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस पर्सन की एनर्जीज जानना चाह रहे हो, इनकी लाइफ में माइंड में क्या चल रहा है आपके टूवर्ड्स, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाह रहे हो, तो आप अभी भी इस इंसान के साथ में इमोशनली जुड़े हुए हो, या आप इनके साथ में अभी भी अपने कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हो, चीज़ें बेहतर होते हुए देखना चाहते हो। लेकिन आपको फिर से ये समझना होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, ठीक है, इस इंसान के साथ में जिनकी एनर्जीज आप चेक कर रहे हो, जिनके लिए आप मेंटली इमोशनली इतना परेशान हो रहे हो, इनकी एनर्जी, इनसे आपको अल्टीमेटली किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, और आप अगर रिकन्सिलिएशन के बारे में, पैचअप के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में किस तरह के व्यक्ति को वापस लाने के बारे में सोच रहे हो, ये सही इंसान है या ये गलत इंसान है, थोड़ा आपको संभल कर चलने के लिए कहा जा रहा है। इंट्यूटिवली मैंने आप लोगों के लिए ये लाल रंग की कैंडल चूज करी है, रेड कैंडल चूज करी है। अच्छा, एक चीज़ और, मेरी बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, ये अपने आप ही हुआ है, तो अगर आपको वीडियो फास्ट करनी है ना तो आप फास्ट करके सुन सकते हो। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो मैंने लाल रंग की कैंडल आप लोगों के लिए चूज़ करी है, रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन, सो दिस इज़ श्योर कि पैशन आप दोनों के मन में है, सामने वाली व्यक्ति के मन में भी है, आपके मन में भी है, कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो खटकती हैं एक दूसरे की आंखों में, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, उसकी वजह से शायद काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग रहे हैं। और मुझे यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनरिक्वाइटेड लव के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो। या दो से ज़्यादा लोग हैं जो अनरिक्वाइटेड लव के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव यानी कि आपने अपने इमोशंस सामने वाले को बताए हैं या नहीं बताए, लेकिन सामने वाले ने शायद रिजेक्ट किया है, या उनके मन में कोई खास इमोशंस आपके लिए नहीं है, एक तरफा प्यार जिसको हम बोलते हैं, तो ये वन साइडेड लव की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या ये वन साइडेड लव किसी मैरिड पर्सन के साथ में है, या आप मैरिड हो और आपका अटैचमेंट किसी अनमैरिड पर्सन के साथ में हो गया है, एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे सीक्रेसी दिखाई दे रही है, यस, हिडन सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, किसी ने यहाँ पे भाग करके या छुप करके शादी करी है, एंड फैमिली को इस बारे में नहीं पता है, ये भी सिचुएशन यहाँ पे है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये कंफर्मेशन होगा आपके लिए, अगर आपकी सिचुएशन इस तरीके की है तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको अल्टीमेटली तो आपको इवॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है। आपने कोई, आपके मन में अगर ये थॉट आ रहा है कि आपने क्या पास्ट में कोई बहुत बड़ी गलती करी है या कोई गलत चुनाव किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक क्षण, एक एक सेकंड ईश्वर के द्वारा प्लान किया गया है, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जो ईश्वर ने चुना है आपके लिए, और अगर कुछ एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं या हो रहे हैं
तो ये आपकी जो सोल जर्नी है उसका हिस्सा है, ये पर्सन भी आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद बहुत टाइम तक ये आपकी सोल जर्नी का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन मे भी छोटे टाइम के लिए, ज़रा से टाइम के लिए रहेंगे कई लोगों के लिए, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहेगा। ओके, कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको इस व्यक्ति के साथ में ही फील हुआ हो, ये भी मैसेज है। और सेम जो वाइब है, सेम जो एनर्जी है, वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे इनके ऑरा में सरप्राइजिंगली पूरी हम लोगों ने थर्ड पार्टी की रीडिंग करी है, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं से कहीं तक इस पर्सन के ऑरा में नहीं है, यानी कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में थर्ड पर्सन जो भी हैं उनसे जुड़ी कोई भी एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। थर्ड पर्सन के साथ में इनका कनेक्शन या तो कमज़ोर है, या छूटने वाला है, या प्रॉपरली बिल्डअप ही नहीं हो पाया है, या आपके और इनके कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो थर्ड पार्टी और इनके कनेक्शन की इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे एज आई कैन सी द पैटर्न, जो अभी पैटर्न बना है आप लोगों की रीडिंग में, इस पर्सन से आपको कुछ बातें जानने को मिल सकती हैं नेक्स्ट 2 वीक्स या मे बी 2 मंथ्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लेकर के चल रहे हैं। एज आई सी द हार्ट इज़ मेल्टिंग, दिल जो है वो पिघल रहा है धीरे धीरे, थिंग्स आर कमिंग आउट, चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये पर्सन जो है ये आप तक पहुंचने का कुछ रास्ता बना रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, जैसे कुछ उधेड़बुन जो है वो इनके दिमाग में चल रही है, सम प्लानिंग इज गोइंग ऑन, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, ये सब बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे एक लूप में ये पर्सन फंसे हुए हैं, पास्ट की मेमोरीज के लूप में, बीती हुई बातों के लूप में ये पर्सन फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और उससे ये निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, सैडली, बट ठीक है, परमानेंट तो नहीं है, हर साइकिल कभी ना कभी ब्रेक ज़रूर होती है। जैसे आप लेसन सीख जाते हो ना, जैसे आपको सिचुएशन में जो लेसन मिल रहा होता है आप जैसे उसको ग्रास्प कर लेते हो, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, या कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है और आप सोच रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन को मैं तोड़ूं, कैसे इस सिचुएशन को मैं ब्रेक करूं, तो ये जो आपका रिएक्शन है उस सिचुएशन के प्रति, उसको बदल के देखिए। हो सकता है कि आप जो है हर बार एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए सिचुएशन रिपीट हो रही है। मे बी कोई टॉक्सिक पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि आप उनको हर बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो आते जाते हैं। आप एक बार रिजेक्ट करके या रोक करके देखिए, वो साइकिल, टॉक्सिक साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना रिएक्शन बदल के देखिए, और आपकी लाइफ में अगर कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रही है तो वो रुक जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। सो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हमारी हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों की रीडिंग में निकल के आए हैं, एंड यस, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगेन माई अपॉलॉजीज फॉर एनी डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। फॉर दोज हु आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट रीडिंग। आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी मैं करूँगी। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम अबाउट द टैरो कार्ड रीडिंग, कि नेक्स्ट मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी आपके लिए, लेकिन माता ने बुला लिया था तो मुझे फटाफट से पैकिंग करके निकलना पड़ा, एंड वो रीडिंग्स जो थी वो उस टाइम पे रह गई थी। बट वी विल कंटिन्यू अभी से, अभी फ्रेश एनर्जी अपडेट जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। स्टे इन टच, नमस्ते, जय गुरु जी।